अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम सईद अयास और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हो, सईद अयास आर्टिस्ट। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग कट पेन किस तरह पकड़ सकते हैं और किस तरह आप इस कट पेन को पकड़ के लिख सकते हो। ये सिर्फ 3 मिनट का काम है, 3 मिनट में आपको समझाऊंगा, तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों की जो कट पेन जो पकड़ने का जो टेक्निक है ना, वो आप जल्दी और फ़ौरन सीख जाओगे। अगर आप नहीं सीखे तो फिर मैं एक और वीडियो बनाऊँगा, उसमें फिर मैं इंशाल्लाह आपको कंफर्म सिखाऊँगा, वो भी A to Z। आज मैं आप लोगों को इसको पकड़ने का आसान सा टेक्निक समझाऊंगा, जिससे आप लोग अपने कट पेन को आसान और इजी स्टेप से आप लोग पकड़ सकते हो। ठीक है, चलते हैं। अब ये पेन है हम लोगों का, जो हम लोगों का कट पेन है ना, कट पेन और कट मार्कर हम लोग उसी तरह ही सीख सकते हैं। पेन आपको इस तरह पकड़ना है, और पेन जो हम लोगों का जो कट होता है ना, कट तो हम लोगों का अंदाजा कर लो कि इस तरह होता है, सीधा होता है ना, मगर इस कट को हम लोगों को पकड़ने का आसान टेक्निक ये देखो। एक तो ये मोटा होता है, ये हम लोगों का कट इस तरह होता है, और जो पतला वाला कट होता है वो हम लोगों का इस तरह होता है। अभी हम लोगों को किस तरह कट पेन को या कट जो मार्कर होता है वो पकड़ने का टेक्निक ये होता है ना, कि हम लोगों को इसको ज़्यादा इस तरह सुलाना भी नहीं है, यानी जो हम लोगों की सुलाया हुआ है ना, इसका ये आधा वाला हिस्सा, यानी पेन को हम लोगों को ये सिलाया हो गया, तो फिर हम लोग थोड़ा इस तरह पकड़ना है। जब इस तरह पकड़ोगे ये मुकम्मल आधा आएगा, तो फिर हम लोगों के पेन पकड़ने का टेक्निक बन जाता है। ये जैसे कि मैंने इसको उठाया यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस तरह के देखो आप, पतला लिखा हम लोगों का, ऊपर से ये हो गया हम लोगों का, बे हम लोगों को यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया। देखो देखो ये खुद बहुत मोटा हो, जब आप इस तरह पकड़ लेते हो थे बे, ये सब हम लोगों को किसी तरह मोटा हो जाता है। ये हो गया जी में हम लोगों को, हो गया दाल, हो गया रे, हो गया सीन, हो गया चीन, हो गया। आप खुद देख रहे हो ना, ये खुद बहुत नीचे वाला जो गोलदारा है, ऊपर वाला चीज होता है, जब आप लोगों के पकड़ने का टेक्निक सही हो गया, तो ये खुद बहुत ये मोटा पतला खुद बहुत हो जाएगा। स्वाद हो गया, देखो स्वा हो गया, आयन हो गया, यानी ये खुद बहुत हम लोगों का इसी से पकड़ने का जो टेक्निक है ना, इसी से ही बन जाता है। देखो ये फे हो गया हम लोगों का, ये छोटा फे हो गया, ये हम लोगों का काफ हो गया, ये हम लोगों का छोटी या हो गया, यानी फुल इजी स्टेप से मैं आपको समझा रहा हूँ। यानी जब आप लोग कट पेन को जब हम लोग इस ये सीधा होकर थोड़ा सा इस तरह पकड़ेंगे, तब हम लोगों को ये कट पेन का टेक्निक खुद बहुत इसी से बन जाता है। अभी जैसे कि मैं कोई अगर कोई सेंटेंस वगैरह लिखूँ, आप लोग खुद चेक कर सकते हो। ये हम लोगों का पहला सेंटेंस मैंने कितना जल्दी में लिखा। अब जो दूसरा जो सेंटेंस होता है, देखो ये हम लोगों का दूसरा सेंटेंस भी इस तरह बन गया। यानी जब आप लोगों को पेन पकड़ने का कार्ड पेन या जो कौन सा पेन पकड़ने का जो आपको टेक्निक आएगा, तब आप लोग ये हैंड राइटिंग, उर्दू हैंड राइटिंग या उर्दू कैलीग्राफी या फिर इंग्लिश हैंड राइटिंग या फिर इंग्लिश जो जो कैलीग्राफी होता है, या फिर अरबी हो गया, जो कुछ भी है ना, वो आप लोग मिनटों में सीख जाओगे। जब आप लोगों को पेन पकड़ने का तरीक़ेकार नहीं आता है, आप 10 साल भी लिखो, आप लोगों का एक अलिफ ही सही होएगा और बाकी कुछ भी सही नहीं होएगा। यानी पहले आप लोगों को पेन का टेक्निक सीखना है। अभी मैंने आपको जिस तरह सिखाया, अगर आप उसी तरह प्रैक्टिस करोगे, फिर इंशाल्लाह देखो ये आप लोगों का ठीक हो गया। और मैंने डिस्क्रिप्शन में एक और मैंने लिंक भेजा हुआ है अपना वीडियो का, और भी आप चेक करके उसका प्रैक्टिस करो। पहले आपको ये कट पेन पकड़ने का टेक्निक सीखना है, उसके बाद आपको उस चीज़ का प्रैक्टिस करना है, फिर आप लोगों का हैंड राइटिंग में फ़र्क आएगा। उसके बाद मैं एक और वीडियो भेजूँगा इंशाल्लाह, फिर उससे आप लोगों के हैंड राइटिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। ठीक है दोस्तों, आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ, और अगले वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।